हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। ये गुड़ से मैंने मिठाई बनाई है तो बहुत हेल्दी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो शुगर अवॉइड करते हैं, शुगर फ्री खाना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट मिठाई है। मिठाई के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ज़रूर इसे ट्राई करें, रेसिपी को बनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले ना हम गुड़ ले लेते हैं। एक कटोरी भर की गुड़ है, मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाइए। तो एक कप भर की गुड़ है जिसमें मैंने बारीक बारीक कतरन कर ली है, इसमें डाल देंगे एक कटोरी भर के दूध। तो आज हम दूध का यूज़ करेंगे, चाशनी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम शक्कर नहीं डाल रहे हैं, गुड़ से मिठाई बना रहे हैं। तो गुड़ और दूध को हम मिक्स कर लेते हैं, साइड में रख देंगे इसको मिक्स करके। आप चाहे तो दूध को हल्का कुनकुना हल्का सा गर्म आप ले सकते हो। मैंने यहाँ नॉर्मली दूध लिया है और इसको गुड़ में मिक्स कर रही हूँ और इसको रख देंगे साइड में। और यहाँ पे ले लेते हैं एक पैन जिसमें ले लूँगी आधा कप भर के शुद्ध घी है ये, तो आधा कटोरी लगभग हमें घी लेना है। आप चाहे तो थोड़ा और ज़्यादा भी ले सकते हो, मैंने थोड़ा कम लिया है। वैसे ना जब ये मिठाइयाँ बनती है ना इस तरह की, जैसे सिंधी खुराक हो गई, इस तरह की मिठाई बनती है ना, तो घी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। जितना आटा लेते उतना ही घी भी लगता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी 3-4 इलायची बारीक कुटी हुई ले ली है, जो बारीक दाने रहते हैं ना हरी इलायची के, उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। बस अब जल्दी से डाल देते हैं आटा। तो एक कटोरी भर के गेहूं का आटा है ये और इसमें हम इसको भुनेंगे। घी में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे ही पूरा ये हमें काम करना है, धीमी आंच पे भुनना है। जब तक इसका सुनहरा कलर नहीं आ जाता तब तक हमको भुनना है। तो धीरे धीरे भुनते भुनते आप देखोगे थोड़ा सा गीला गीला घी छोड़ने लग जाता है, थोड़ा सा ही गीला गीला हो जाता है आटा। तो इसको भी सुनहरे होने तक पकाना है धीमी आंच पे। अगर आपको लगे कि बीच में नीचे से जल रहा है, गर्म ज़्यादा हो रहा है, तो बीच बीच में आप गैस को ऑफ करो, फिर एक मिनट के बाद फिर से आप गैस चालू करो। इस तरह से मैंने भी भुना है, बीच बीच में गैस को ऑफ करते हुए मैंने इसको भुना है, क्योंकि जल्दी से मतलब जलना नहीं चाहिए हमारा आटा, तो इसलिए बीच बीच में हमें गैस को ऑफ करना है फिर ऑन करना है। अच्छा सा कलर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो कंटिन्यूस इसको घुमाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूस घुमाते हुए इसके हमें भुनना है। तो ये कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो इतना ही कलर हमें चाहिए। अब डाल देते हैं एक कप भर के नारियल का चूरा जो है, ग्रेटेड नारियल जो रहता है सूखा नारियल, वो इस पर मैंने डाल दिया है। ईजिली किराना शॉप पर मिल जाता है ग्रेटेड नारियल। तो इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में। अब डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। जो मैंने यहाँ काफ़ी सारे एक कप भर के ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें पिस्ता, अखरोट, बादाम और काजू है बारीक कटे हुए, तो इनको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। इस मिठाई में ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाली तो बहुत हेल्दी रहती है ये मिठाई, इसलिए मैंने काफ़ी सारे एक कप भर के ड्राई फ्रूट का इसमें डाला है। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। थोड़ी सी किशमिश ऐड कर लेती हूँ मैं इसमें। किशमिश का टेस्ट मिठाइयों में बहुत अच्छा आता है, मीठी मीठी लगती है बढ़िया। तो बीच बीच में थोड़ा सा मैं गैस कभी ऑफ़ कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि पैन बहुत गर्म हो गया है तो मैं थोड़ा ऑफ़ कर रही हूँ, फिर से चला दे रही हूँ उसको धीमी आंच पे। और इसी तरह मैंने पूरी मिठाई बनाई है ऑन ऑफ़ करते हुए। बस अब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब डाल देते हैं गुड़ और दूध वाला जो हमारा घोल था वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी हमें गैस को ऑन रखना है धीमी आँच पर। तो ये दूध और गुड़ इसमें डालते ही जल्दी से आटा जो है ना फूलने लग जाता है, तो हमें फटाफट इसको मिक्स करना है और अच्छे से इसको समेटना है। मिठाई का एकदम गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम गैस को ऑफ कर लेंगे। तो जल्दी से इसको हमें मिक्स करना है, ये प्रोसेस हमें थोड़ी फटाफट करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप हेल्दी मिठाइयाँ बनाइए गुड़ से, बिल्कुल शुगर फ्री मिठाई है, गुड़ हेल्दी रहता है। अभी मैंने गैस को ऑफ कर लिया है और ये मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक थाली में हम ग्रीस कर लेंगे थाली और ये हम उसमें पलट देंगे, पूरा जो हमारा घोल है ना मिठाई का वो उसमें डाल देंगे। तो यहाँ थाली मैंने ग्रीस कर ली है, घी लगा लिया है और ये इसमें रख देंगे, सब डाल देंगे सेट होने के लिए अच्छे से। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो अभी इस यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ अच्छे से दबा के। अब ये बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है मिठाई हमारी। तो यहाँ अच्छे से हो गया सेट। इसके ऊपर थोड़े से मैं पिस्ते की कतरन जैसे सजाने के लिए करी, क्योंकि ऑलरेडी हम ड्राई फ्रूट तो बहुत सारा डाल चुके हैं इसमें, जस्ट ऊपर से और अच्छे से दिखे मिठाई, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जस्ट पिस्ता की कतरन यहाँ पर डाल रही हूँ। तो बस हमारी मिठाई बिल्कुल डन है। थोड़े से कूल होने के बाद मैं इसको कट कर रही हूँ। तो ये मिठाई हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आरडी कुकिंग मेरे चैनल का नाम है। आप फेसबुक पेज पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, आरडी कुकिंग है फेसबुक पेज का नाम।
और इस तरह की रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। मीठी को आप मना नहीं कर पाओगे, इस तरह की मिठाई जब बनाओगे तो बहुत बढ़िया सी मिठाई है, आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जितना हो सके प्लीज़ कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश। वाहेगुरु।